ओके तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग ने जस्ट होल्ड ना। तो कल हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मोड पढ़ा था, राइट। तो आज का टॉपिक है लाइन कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। ओके तो इसमें लाइन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इसमें दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, कनेक्शन जो बनते हैं, ठीक है। माउस दो टाइप के बनते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है कि आपका नेटवर्क इज कनेक्टिंग मेड थ्रू द कनेक्शन लिंक बिटवीन टू डिवाइस और मोर। तो फर्स्ट में होता है हमारा इसमें पॉइंट टू पॉइंट, राइट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसे होगा, जैसे कि मेरा एक ये डिवाइस है, जैसे कि ये मेरा मान लो एक पीसी है और एक ये पीसी है, ठीक है, या कोई डिवाइस है, ठीक है। मैं पीसी लेके चलता हूँ या कोई डिवाइस लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। और एक इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं ट्रिपल पी, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। सेकेंड हमारा होता है पॉइंट टू मल्टीपल। पॉइंट टू मल्टीपल का कनेक्शन क्या होता है कि मेरा एक ये डिवाइस है, ओके, और एक डिवाइस यहाँ पे है, राइट, और एक डिवाइस इसके नीचे है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। पॉइंट टू मल्टीपल होता है कि एक डिवाइस मेरा जो है वो मेरे मल्टीपल यानी कि दो एक से अधिक से, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सपोज मेरा एक कोई डिवाइस यहाँ भी है, यहाँ है, तो इससे भी ये कनेक्टेड है, तो इसको पॉइंट टू मल्टीपल कनेक्शन हम कहते हैं, राइट। और सेम डॉक्यूमेंट्स में इसका सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बना रखे हैं। ये है, राइट। तो इसमें होता है नेटवर्क इज ए कनेक्शन मेड थ्रू द कनेक्शन लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस और मोर। दो या दो से अधिक डिवाइसेस होंगे जो कनेक्शन बनते हैं बिटवीन क्या, कनेक्शन लिंक। तो कितने टाइप के होते हैं, देर आर टू टाइप, देर आर टू वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। पहला पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टीपल्स। तो इसमें पॉइंट टू मल्टीपल मल्टीपल्स में आप देखोगे यहाँ पे इट इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज टू कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ट्रिपल पी इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड बाय द टेलीफोन लाइन, या आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है किसी भी थ्रू, जैसे कि इथरनेट से कनेक्टेड है, या आपका सीरियल केबल है, या फाइबर केबल है, राइट। तो सेम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसे हमारा बीजीपी, बीजीपी जो बीजीपी होता है वो कनेक्शन हमारा बनता है, तो पॉइंट टू पॉइंट बनता है, ठीक है। वी कैन कनेक्ट द टू डिवाइस बाय मीन्स ऑफ द पेयर ऑफ वायर्स और यूजिंग अ माइक्रोवेव और सेटेलाइट लिंक, राइट। एग्जाम्पल में आपका नीचे आप देखोगे तो एग्जाम्पल दे रखा है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टेलीविजन, ठीक है। तो सपोज आप जैसे कि मेरा सेकंड, ये मेरा टेलीविजन है, राइट, ठीक है, ये टेलीविजन है, और हम एक यहाँ पास रिमोट होता है ना रिमोट, ठीक है। इसमें काफी सारे बटन्स होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लेंस टाइप का दिया होता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से कोई भी चैनल चेंज करते हैं, कोई भी प्रेस बटन करते हैं, चैनल चेंज करते हैं, टीवी में क्या होता है, चैनल चेंज हो जाता है। तो ये क्या है,
ये मेरा एक सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो ये किससे है, पॉइंट टू पॉइंट, और इसकी कनेक्शन कैसे है, वायरलेस है, ओके वायरलेस कनेक्शन, इनके बीच में वायर नहीं है बट ये वायरलेस से कनेक्टिविटी है इसकी, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट हो गया, राइट। सेम आप नीचे आओगे, ये है कनेक्टिविटीज की, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन लिंक है, ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया, राइट। और ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जैसे मान लो कि कोई टावर्स है हमारे, ठीक है, टावर से कनेक्टेड है, तो एक डिवाइस से एक डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया, ओके। मल्टीपल में इट इज ऑल्सो कॉल्ड है मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन, इट इज ए कनेक्शन टू और मोर डिवाइस शेयर अ सिंगल लिंक। देर आर टू टाइप ऑफ मल्टीपोन कनेक्शन, यहाँ पे दो टाइप के मल्टीपोन कनेक्शन होते हैं। एक हमारा होता है, इट इज इफ द लिंक्स आर यूज साइमल्टेनियस बिटवीन मेनी डिवाइसेस, ठीक है। साइमल्टेनियस क्या होते हैं कि काफी डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा हमारा होता है इफ द यूजर टेक्स टर्न वाइल यूजिंग द लिंक, लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इट इज अ टाइम शेयर्ड। तो दो टाइप के कनेक्शन हमारे होते हैं, पहला कौन सा होता है पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट टू मल्टीपल, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम आता है, ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि हमारा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ओके। ट्रांसमिटर मीडियम यहीं पे मैंने नोट कर रखा है नीचे, ये तो सारा चीज हम लोगों ने कल देख लिया था, बस टोपोलॉजी में टोपोलॉजी। ये ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। सो ट्रांसमिशन मीडियम जो हमारा है, इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर जैसे कि मेरा ये डिवाइस है, ये डिवाइस में इसमें डेटा कैसे ट्रैवल हो रहा है, सपोज मान लो कि ये मेरा एक डिवाइस है, ठीक है, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, ओके। सपोज मान लो कि मेरे पास कोई डेटा है यहाँ पे, मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, इस डेटा में काफी सारे इन्फॉर्मेशन, मान लो मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ, तो मेरा जीमेल जो इसके पास जाएगा तो कैसे जाएगा, ये ऐसा तो नहीं कि ये मतलब हवा हवा में भेज देगा, नहीं भेजेगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक हमें कनेक्शन चाहिए इन दोनों के बीच में, या तो वो कनेक्शन वायर के थ्रू हो या वायरलेस के थ्रू हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा यही आ जाएगा, जैसे कि फिजिकल लेयर आपका होता है, आप यहाँ देखोगे तो ट्रांसमिशन मीडियम इज द मीन्स थ्रू विच वी सेंड आवर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, ये फिजिकल लेयर लेयर वन होता है, जो कि हमारे जो डिवाइसेज जितने भी होते हैं, सपोज ये मान लो राउटर है, ठीक है, या ये भी राउटर है, इन दोनों के बीच में अगर डेटा शेयर करना है तो ये हमें फिजिकल लेयर एक होता है जो कि कनेक्टेड होता है, या तो आप वायर यूज करो, ठीक है, वायर यूज करो या वायरलेस यूज करो, राइट। ऐसे हवा हवा में जाएगा नहीं, मान लो कि आपको आप मान लो कि दिल्ली में हो, राइट, और ये गुड़गांव है, ओके, आपको जाना होगा तो आप किसी भी किसी रास्ते से जाओगे ना, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ के चले जाओगे,
तो एक माध्यम होता है, उसके थ्रू डेटा ट्रेवल होता है, तो क्या, तो वायर या वायरलेस के थ्रू, राइट। ये डेडिकेटेड ट्रांसमिशन मीडियम वी विल स्टडी इन ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर में लेयर वो वन जो होगा, ठीक है, जो कि फिजिकल लेयर कहते हैं, ये हम ओएसआई लेयर में पढ़ेंगे, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम में केबल्स होते हैं, तो केबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो केबल्स जो है ट्विस्टेड केबल्स, फैक्टर ऑफ द कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन रेट, कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, रेसिस्टेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन एंड डिस्टेंस। ये जो इसके होते हैं मीडियम के, कि हमारे ट्रांसमिशन रेट क्या हो सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंट कंडीशन क्या हो सकते हैं, और डिस्टेंस क्या होते हैं। जब मान लो कि हम हमारे पास पहले ही वो यू होता था, हब होता था, राइट। तो हब कि थ्रू हब की कनेक्टिविटी करेंगे लैंड केबल के साथ, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता था, ये सारी चीजें होता था। तो हम मैक्सिमम, अगर आप Cat5 केबल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 100 MPS की 100 MPS होता था आपका। अब इसमें आ जाता है हमारा केबल, केबल हम कौन कौन से यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आपने देखा है, लैन केबल जो होता है, हाँ देखें। सेकंड, ये माउस सही से काम नहीं कर रहा। ये होता है केबल, RJ45 केबल होती है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि आपका एक तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है और एक सील्ड होता है, ठीक है, सील ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम STP और UTP कहते हैं। तो इसमें जो ट्विस्टेड पेयर होता है, ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट द टू कंडक्टर, नॉर्मली कॉपर केबल्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, कॉपर केबल होती हैं। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, तो RJ45 जो केबल्स होती हैं, उसके अंदर ऐसे पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑरेंज वाइट, ब्लू वाइट, ग्रीन वाइट और ब्राउन वाइट, ये अनट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, जैसे कि ये आपका डिस्टेंस बताया था यहाँ पे, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी, चीप एंड 100 मीटर लिमिट होता है इसका, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था, और हाई ग्रेड ऑफ यूटीपी आर यूज इन लैंड केबल। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आप, मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज है, और ये जो सील्ड होता है ना, तो आपने ये देखा होगा, ये Cat6, ये थोड़ा सा इसका इससे एडवांस लेवल। इसमें क्या होता है, जो ये केबल्स होते हैं, ठीक है, जो ये वायर्स होते हैं, इसका दो दो का ना, ये अंदर से सील्ड होता है, एक पतली सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है, सिल्वर टाइप का, जो पेपर नहीं देखो, सिल्वर फाइल टाइप की, वैसी एक वो होती है। तो ये केबल है, ये इसके अंदर होता है, ये चारों। द केबल हैज मेटल फॉल, ये मेटल फॉइल फॉइल को आता है, जैसे वो देखो आप सिल्वर पेपर, सिल्वर फाइल, उस टाइप का होता है ये। तो अनसील्ड और ट्विस्टेड पेयर, और ये सील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज है, नीचे दे रखे हैं ये सारे एडवांटेज है इसके, इजी टू इंस्टॉल होता है, परफॉर्मेंस होता है, कैन बी यूज द एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन होता है, इंक्रीज द सिग्नली रेट, इसका काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, हायर कैपेसिटी होता है देन किससे, अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर से, राइट। और इसके डिसएडवांटेज भी है, क्या है, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब इसको बनाने में काफी दिक्कतें आती है, और हैवी होती है काफी ये, ठीक है। सेकेंड हमारा इथरनेट में, इथरनेट तो वो है, सेकेंड हमारा आता है क्या, एक और केबल आती है जिसे हम कहते हैं कोएक्सल केबल, राइट। ये है हमारा कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपके यहाँ टीवी लगा होता है, और जो डिश टीवी होती है, ठीक है, डिश टीवी या टाटा स्काई यूज कर लो, ठीक है, ये सारी के होते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, ये केबल होती है, ये लगी होती है केबल, जिसे हम कहते हैं कोएक्सल केबल। तो
सबने क्विक्सिल केबल देखा होगा, इसका ये डिफिनेशन है, क्विक्सिल केबल इज कॉल्ड अ नेम ऑफ बिकॉज इट कंटेन टू कंडक्टर दैट आर द पैरेलल ऑफ ईच अदर. ये आप लोग डॉक्यूमेंट से पढ़ लेना, ठीक है. अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर आप मेरे को पूछ लेना, क्योंकि क्विक्सिल केबल जो है वो काफी अब यूज नहीं होता है, ज्यादातर डिश टीवी में यूज होता है, अब तो सब लोग फाइबर यूज कर रहे हैं. सर एक बार ना ये पूरा डॉक्यूमेंट इसको शेयर कर दीजिएगा। हाँ ये मैं करूंगा शेयर. मैं इसलिए मॉर्निंग में शेयर नहीं किया क्योंकि अभी इसमें काफी चीजें रह गई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार नहीं पूरा पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं. शेयर कर देना तो फिर हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. तो ये आपका हो गया, ठीक है, मीडियम कंप्यूटर. अब आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते हैं, किस टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है. तो हम नेटवर्क में हम पढ़ेंगे. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमारा आता है नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क में हमारा आएगा लैन, ठीक है, वैन, ठीक है, मैन होते हैं, ये सारे नेटवर्क्स होते हैं. ओके, तो ये हमारा आ जाता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में. जैसे कि आपने लोकल एरिया नेटवर्क का नाम सुना होगा, ठीक है, लैन. एक हाँ होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं मैन. एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं वैन. वायरलेस आपका मैम, होता है, और इनर नेटवर्क होता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं. राइट, ये हमारे सब क्या है, हमारे नेटवर्क्स हैं. सपोज मान लो कि मैं एक नॉर्मली एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है. इसमें मैं आपको बता दूं लैन कौन सा होता है, वैन किधर होता है, कहाँ यूज होता है. वेयर इज पेंट, राइट. सपोज मान लो कि मेरा एक ये नेटवर्क है, राइट, और एक ये नेटवर्क है, ये मेरा, ओके, और ये मान लो आप एक क्लाउड है, ये मेरा हो गया लैन, और ये आपका हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है. ये डार्क कर लेता हूँ, ठीक है. तो लैन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है. ये इंटरनल होता है, और ये जो है वैन होता है, ये हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क. तो लैन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आईपीज होते हैं, तो यहाँ पे लैन में हम ऑलवेज हम क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी यूज करते हैं, राइट. और वैन जो हमारा होता है वो हम क्या पे पब्लिक आईपी यूज करते हैं, ठीक है. जैसे कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो ये मेरा एक इंटरनल ऐसा नेटवर्क है, ठीक है. ये मेरा राउटर है, ठीक है. राउटर से आपका ये आपका एयरटेल का, ठीक है, आईएसपी है, ठीक है, आईएसपी. तो राउटर जो है, राउटर से कनेक्टेड मेरा स्विच है, स्विच से मेरे काफी सारे डेस्कटॉप कनेक्टेड है, राइट. पीसी, ऐसे पीसी कनेक्टेड है, ऐसे होता है ना नेटवर्क. तो हमारे क्या होता है, यहाँ पे हमारा वीलैन वीलैन चलता है, ठीक है, इस पे. तो हम इस पे आईपी असाइन करते हैं, तो क्या असाइन करते हैं, यहाँ पे हम असाइन करते हैं प्राइवेट आईपी, ओके, प्राइवेट आईपी. और ये जो है राउटर है, तो एयरटेल का जब भी हमें कोई देगा तो ये हमें क्या देगा, पब्लिक आईपी देगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने पब्लिक आईपी, एक पब्लिक आईपी हमने यहाँ पर यूज कर लिया, सपोज 1.1, यहाँ पे मान लो 1.2 चल रहा है, समथिंग 20 का नेटवर्क है, ठीक है. तो ये पब्लिक आईपी हो गई, यहाँ पे यूज करी. इसके बाद से यहाँ से हमारा जो भी आता है ना, ये पूरा पार्ट, तो ये हमारा इंटरनल होता है, ये ऑफिस का लैन हो गया आपका. तो इसे हम क्या बोल लेंगे, लैन बोल सकते हैं, राइट. और ये जो है हमारा इधर पूरा, ये हमारा क्या हो गया, वैन हो गया,
तो ये हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये होता है। सर ये लैन और वैन को मर्ज कैसे करते हैं? लैन और वैन को मर्ज कैसे करते हैं, इसके इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम राउटिंग यूज करते हैं। इस राउटर जो है ना, तो इस राउटर पे हम क्या करेंगे, राउटिंग यूज करेंगे, राइट, राउटिंग यूज करेंगे। या तो आप यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज कर लो, ओके, या तो आप डायनेमिक राउटिंग यूज कर लो, ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि रिप AIGRP आ जाता है, ठीक है, और ISIS आ जाता है, OSPF आ जाता है, ठीक है, ये सब होता है। हम यहाँ पे BGP भी यूज कर सकते हैं, राइट, बॉर्डर गेटवे हाँ, प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे। तो ये सारी जो टॉपिक्स है, तो ये तो बाद में आएगी जहाँ पे हम यूज करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी IP यहाँ पे जो इंटरफेस होते हैं, इस इंटरफेस को हम क्या करते हैं, IP एड्रेस असाइन करते हैं, पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, देन उसके बाद से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये तो अभी बात का है, इसमें टाइम है आने में, ओके। तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, अभी 7 मिनट है हमारे पास, और उसके बाद से सेशन वो होगा। तो ये आप, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मेट्रो एरिया नेटवर्क वायरलेस, तो आप जानते ही हो, इंटरनेट, ये जो इंटरनेट है, इंटरनेटवर्क। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना डिटेल, ठीक है। तो इट पूरा इज भेज कॉल्ड, दीजिए एक हाँ ये मैं आपको भेज दूंगा, जैसे कि ये देखो, जैसे रिंग टोपोलॉजी, ये सारी है, ये सब हमारा क्या आता है, ये हमारा लैन होता है, ठीक है। ये नेटवर्क। हाँ, ये नेटवर्क है, लैन है, ये बस टोपोलॉजी, ये हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। ये एक ब्रिज है जो कि हब, हम इसको हब या स्विच है, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजीज इंटरकनेक्टेड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो इट इज कॉल्ड अ लैन एंड डिजाइन और स्मॉल स्मॉल फिजिकल एरिया, जो स्मॉल फिजिकल एरिया होता है वहां पर हम यूज करते हैं, सच एज ऑफिस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग और फैक्ट्री, राइट। तो यहाँ यूज करते हैं। लैन आर यूज वाइडली एज इट इज इजी टू डिजाइन एंड टू ट्रबल शूट। ये क्या होता है, डिजाइन करने में इजी होता है, उसको ट्रबल शूट भी हम कर लेते हैं, ओके। अच्छा एक चीज पूछना था, मान हाँ लीजिए जैसे दो बिल्डिंग्स है ना, हाँ तो उसमें हमारा एक नेटवर्क चल रहा है, तो उस नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क कहेंगे या मैन कहेंगे? ठीक है। जैसे कि आप क्या करो, दो बिल्डिंग है, ठीक है, हाँ दो बिल्डिंग है आपका, तो दो बिल्डिंग को आपने अगर कनेक्ट किया है ना, एक अलग बिल्डिंग है, एक अलग बिल्डिंग, तो उसको आप मैन कह सकते हो, राइट। लेकिन सर बिल्डिंग बिल्डिंग दो हो, विलन एक ही हो, तो फिर मैन कैसे होगा? नहीं, आप मान लो, ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि जैसे कि विलन अगर अलग अलग है, जैसे कि ये मान लो कि ये बस टोपोलॉजी ये है, और इसके बीच में हमारा एक राउटर है, एक राउटर है, ठीक है। तो ये अलग बिल्डिंग है। अब जैसे क्या है कि आपका अगर स्विच से कनेक्टेड है, तो आपका लैन होगा, राइट। अगर आपने राउटर से दो बिल्डिंग कनेक्ट किया है, सपोज कि ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आपने क्या किया है, यहाँ पे एक राउटर लगाया है, एक यहाँ पे राउटर लगाया है, और इन दोनों, ये क्या है, लोकल टेलीफोन एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता है, ये मान लो इंटरनेट एक्सचेंज, जो भी है, आपने क्या किया, इन दोनों को ना, आपने इन दोनों के बीच में राउटिंग चला दी, तो ये आपका दो बिल्डिंग। तो ये जो एरिया है इसका, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, लैन। जैसे ये है, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ये हो गया लैन, ठीक लैंड है, ये हो गया लैन। और इन सब को हम देखेंगे ना, तो टोटल को हम क्या कहेंगे, मैन मैन, कहेंगे। आप इसमें डेफिनेशन यानी कि देखो तो बिलियन इसका का जो होता हाँ है कलेक्शन ऑफ लैंड्स कॉल्ड मैन, है ना? हाँ कनेक्शन ऑफ ऑफ लैंड्स इज कॉल्ड अ मैन। यहाँ पे आप देखो, इट इज अ बेसिकली इज अ बिगर वर्जन ऑफ लैंड, ठीक है। इसका बिगर वर्जन लैंड होता है, इट इज कॉल्ड अ मैन एंड यूजेस द सिमिलर टेक्नोलॉजी एज अ लैंड, ठीक है, सिमिलर टेक्नोलॉजी। इट इज डिजाइन टू एक्सटेंडेड ओवर द इंटायर सिटी, राइट, ओवर द इंटायर सिटी। इट कैन बी मीन्स टू कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लैंड्स आप जो कनेक्टिंग करते हो, नंबर ऑफ लैंड्स इनटू अ लार्ज नेटवर्क, और इट कैन बी अ सिंगल केबल। इट इज मेनली होल्ड, वन सेकंड, ये क्या है, इट इज मेनली होल्ड ये एंड भी तो सवाल, ऑपरेटेड बाय द सिंगल प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, राइट। सपोज मान लो कि आपका एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें मान लो आपका 500 यूजर्स चल रहे हैं, ठीक है,
इसमें भी आपके 500 यूजर्स चल रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आप चाहते हो कि मेरे ये 500 यूजर्स का, ठीक है, यहाँ पे कोई सर्वर लगा या डेटा है, इसको एक्सेस करें। आप चाहते हो कि ये डेटा, ये मेरे जो यूजर्स हैं, यहाँ पे आपका सर्वर्स कोई लगा हुआ है, ठीक है, इसको यूज करें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका नेटवर्क जो, आपका यहाँ पे एज राउटर है, ठीक है, आपकी कंपनी का जो एज राउटर है, जो लास्ट वाली राउटर है, ठीक है, और इस कंपनी का लास्ट वाली राउटर है, आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में राउटिंग करोगे। ओके, राउटिंग करोगे तो राउटिंग के साथ क्या करेगा, आपका ये लैन, आपका जो इतने जितने भी ये प्रीफिक्स हैं, ठीक है, जितने भी ये प्रीफिक्स हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पे एडवर्टाइज करोगे और इसको यहाँ पे लाओगे। फिर यहाँ के प्रीफिक्स क्या करोगे, आप यहाँ एडवर्टाइज करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, इन दोनों का डेटा एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वैन। इट इज कॉल्ड अ वैन। वैन कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी ए पब्लिक लीज नेटवर्क। इट इज यूज फॉर द नेटवर्क दैट कवर्ड लार्ज डिस्टेंस सच एज द कवर स्टेट। ओके, सपोज मान लो कि आप किसी स्टेट में हो, ठीक है, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क का मान लो कि आपने क्या किया, आप अभी दिल्ली एनसीआर में बैठे हो, राइट, आप हो, ये मान लो आपका यहाँ से ये आपका क्या है, दिल्ली है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप मुंबई में हो, ओके, ये आपका मुंबई है। आप चाहते हो कि मेरा जो यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, ओके, मेरा डेटा है, ठीक है, मैं क्या कर रहा है, मेरे को यहाँ भेजना है। ओके, सपोज आप यहाँ पे बैठ के आपने मेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप यहाँ भेजा, तो आपने क्या किया, आपका ये जो एज राउटर है, आपने क्या किया, ये ओवर इंटरनेट है, ओके, ये इंटरनेट, आपने क्या किया, यहाँ पे एयरटेल से कनेक्शन ले लिया, राइट, एयरटेल से, ये एयरटेल का है, कनेक्शन ले लिया दिल्ली में, आपने एयरटेल कनेक्शन ले लिया, और आप यहाँ मुंबई बैठ के आपने क्या किया, यहाँ पे एक एयरटेल से कनेक्शन ले लिया, राइट, एयरटेल कनेक्शन। अब जो एयरटेल जो आईएसपी है, इसके क्या है कि इन्होंने अपना ना केबल फाइबर पूरे ऑल ओवर इंडिया बिछा रखी है, डाल रखी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इन्होंने राउटिंग कर रखी है। आपने यहाँ से लिया, यहाँ से आपने जो भी आपका प्रीफिक्स है, आप यहाँ पे एडवर्टाइज करोगे, यहाँ पे बीजीपी चलता है, तो जो वाइड एरिया हमारा नेटवर्क होता है, यहाँ पे हमारा क्या चलता है, बीजीपी चलता है, बीजीपी, हाँ, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। यहाँ अच्छा, पे आपने यहाँ से कनेक्शन लिया, आपको एयरटेल क्या करेगा, एक एएस नंबर होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ना हमें खरीदनी पड़ती है, इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जितनी भी कंपनीज होती है ना वो कॉस्ट पे करती है, या तो आपका एयरटेल हो, टाटा हो, या अगर फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आपका चलता है वहां पे AT&T चलता है, वेरिजॉन चलता है, ये सब आईएसपी वेरिजॉन चलता है, SSE, ये सब है, उसके पास स्प्रिंट है, ये सब क्या है, ये आईएसपी है। तो ये जितने भी जो आईएसपी है ना, ये वाले, ये ग्लोबल आईएसपी है, ये ग्लोबल आईएसपी है। सपोज आपको यहाँ से अमेरिका डेटा भेजना है, ठीक है, अमेरिका अमेरिका पे मान लो कि आप यहाँ बैठे रहते हो इंडिया में, ये आपका इंडिया है और ये आपका यूएस है, ठीक है, आपको डेटा, आप ये समझो कि हवा हवा में उड़ के जाएगा, नहीं, जो समुद्र होती है ना, तो हाँ, समुद्र के अंदर ना फाइबर बिछी होती है, ओके, सबमरीन के बाद।